गाइस, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मल्टी स्टेज। कंप्रेसर क्यों आया कल दैन नज़र में, या क्यों मल्टी स्टेजिंग की जाती है कंप्रेसर में? लॉजिक है कि कुछ भी बढ़ा लो, कोई भी पैरामीटर बढ़ा लो, पैरामीटर चेंज कर दो, आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम ही होती है। दूसरा, अगर फाइनल प्रेशर या हाई प्रेशर हम लोग बढ़ाते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी तो कम होगी ही होगी। आपका जो वॉल थिकनेस होती है सिलेंडर की, वो हम लोग को बढ़ानी पड़ जाएगी, जिसके एवज में हम लोग को कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ाना पड़ जाएगा, जो रिजल्ट करेगी आपका सिलेंडर भारी होगा, प्लस आपकी बाइक भारी होगी, प्लस वो महंगी होगी। तो ये चीज़ें ना करनी पड़े तो हम लोग जो चीज़ करते हैं कि हम लोग एक कंप्रेसर नहीं लगाकर हम लोग दो कंप्रेसर या तीन कंप्रेसर या चार कंप्रेसर लगा देते हैं एज पर आवर डिमांड। ओके, दो मिनट होल्ड करिएगा। हेलो। हाँ हाँ सर, कोई नहीं, बोलने वाला बात थोड़ी। ठीक, ओके। तो जो इनिशियली हम लोग को लग रहा था कि सपोज़ ऑटो साइकिल का ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि वहाँ पे जो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने का जो काम दिया गया था जिस डिवाइस को, हाँ उसको बोला गया था कंप्रेसर। अगर सोचिए कि उसको काम दिया गया था कि एक एटमॉस्फेयर से तुमको 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ाना है, लेकिन वो बढ़ा तो रहा है, लेकिन उसके वजह से सिलेंडर जो इतनी सी जगह घेरता था, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर क्यूब एरिया जो आपकी बाइक में इतना घेरता था, उसको इतना प्रेशर बढ़ाने के लिए हाँ सिलेंडर लगाना पड़ गया 100 सेंटीमीटर क्यूब का। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपकी जो बाइक है वो ऐसे दिख रही है और यहाँ पे आपका एक सिलेंडर लगा हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर क्यूब का है। हाँ, और अगर आपको इतना वॉल्यूम का प्रेशर बढ़ाना था तो बाइक आपकी इतनी ही है लेकिन उस पर सिलेंडर इतना बड़ा लगा हुआ है, तो अगर इतना बड़ा सिलेंडर लगा दीजिएगा तो और सब चीज़ें कहाँ लगाइएगा? तो ये आप चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ की गई उसका नाम था मल्टी स्टेज कंप्रेसर। इस कंप्रेसर को तोड़कर या इस कंप्रेसर के ही अंदर इस वे में चीज़ें डिज़ाइन कर दी गई कि हाँ कि एक कंप्रेसर छोटा सा लगा हो, उससे चीज़ें निकले, फिर दूसरे कंप्रेसर में जाए और फिर तीसरे कंप्रेसर में जाए। तो हाँ, अगर एक एटमॉस्फेयर से 100 एटमॉस्फेयर करना था तो वो इस वे में हो, मान लेते हैं पहले 10 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 100 हो गई, इस वे में हो, एक ही बार ना हो, ठीक है? तो जब जब देखते हैं हम लोग कि कंप्रेसर अगर दो कंप्रेसर हैं तो यानी दो कंप्रेसर हैं, कैसे जुड़े होंगे दो कंप्रेसर? यानी आपने कंप्रेस कर दिया, ये आपका पहला कंप्रेसर है, हाँ, और दूसरे कंप्रेसर में जाने से पहले उस फ्यूल को आपको एक और जगह भेजना पड़ता है, उसका नाम है इंटरकूलर। और जब उस इंटरकूलर, हाँ जैसा नाम से पता चल रहा है, वो इंटरकूलर क्या करेगा? हाँ, वर्ड देखे, क्योंकि बीच में इंटर लिखा हुआ है, इंटर मतलब होता है बीच का, यानी बीच, आपने देखा होगा इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर मतलब स्कूल 1 स्कूल 2 के बीच का
कंपटीशन। अगर एक ही स्कूल है और उसी में डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस हैं, तो अगर हाउस वन और हाउस टू के बीच में कंपटीशन है तो इसको बोलते हैं इंटर हाउस कंपटीशन। लेकिन एक ही हाउस है, उसके अंदर दो बच्चों के बीच में कंपटीशन या दो टीम के बीच में, तो उसको बोलते हैं इंटरा हाउस कंपटीशन। यानी ये जो आपका कूलर है, एक कंप्रेसर और दूसरे कंप्रेसर के बीच में लगा हुआ है, इसलिए वर्ड आया इंटर। और क्या कर रहा है कूलर, क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर कम कर रहा है, वो देखते हैं आगे। तो जब आपका एक इंटरकूलर लगा होगा या उसके बराबर दो दो यानी दो कंप्रेसर होंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग कि सिंगल स्टेजिंग हो रही है। यानी जब कुछ नहीं था, नो स्टेजिंग थी, तो कितने कंप्रेसर थे? एक। जब सिंगल स्टेजिंग होगी तो कितने कंप्रेसर होंगे? दो होंगे। जब डबल स्टेजिंग होगी तो कितने कंप्रेसर होंगे? तीन होंगे। जब ट्रिपल स्टेजिंग होगी तो कितने कंप्रेसर होंगे? सी फोर होंगे। क्लियर है? तो देखा जाता है, हाँ, प्रैक्टिकली जब हम लोग सिंगल स्टेजिंग करते हैं, तो मान लेते हैं सपोज कि आपका पहला जो कंप्रेसर है सी वन, उसने अगर किसी भी फ्यूल को एक्स प्रेशर चेंज किया हो, मान लेते हैं सपोज, जस्ट टेक एन एग्जांपल, लेट, हाँ, इनिशियली जो प्रेशर था वो एक एटमॉस्फेयर था, हाँ, यहाँ पे, यानी ये यहाँ की बात करूँ, और यहाँ पे मान लेते हैं पी एफ जो बात है, तो उसने मान लेते हैं चार एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद ये गया इंटरकूलर में। इंटरकूलर, इसका प्रेशर कुछ कम नहीं, प्रेशर को कांस्टेंट रखता है, बस इसका टेम्परेचर कम कर देता है। क्लियर है? हम लोग इंटरकूलर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसको फिर से दूसरे कंप्रेसर में भेज देता है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? पी एफ ही होगा, यानी क्योंकि ये प्रेशर कांस्टेंट रख रहा है ना, तो चार ही एटमोसफियर। यहाँ से मान लेते हैं जो चीज़ निकली वो पी एफ डैश है, तो वो पी एफ डैश कितनी होगी? कितनी होगी भाई? यानी 5.6 गुना के बराबर होगी। यानी यहाँ पे क्या है, चार से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो भी है। यानी सिंगल स्टेजिंग, मेरा बोलने का मतलब क्या है, सिंगल स्टेजिंग इतना प्रेशर बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर कोई भी चीज़ आपकी एक आठ बार पे है, तो उसको अगर सिंगल स्टेज कर दीजिएगा तो वो 5.6 बार पे बढ़ जाएगी। ऐसे ही डबल स्टेजिंग जब होती है, जब आपको कोई भी चीज़ को 5.6 से 35 बार इतना उसका प्रेशर बढ़ाना हो। और ट्रिपल स्टेजिंग का मतलब है कि अगर आपको प्रेशर जो है वो 35 से 180 बार तक बढ़ाना है, तो ट्रिपल स्टेजिंग करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। यानी इसका एक और मतलब है कि अगर ये एक बार आपने प्रेशर डाला और आप चाहते हैं कि 5 बार तक ही हो, तो इसका मतलब है कि आप सिंगल स्टेजिंग से भी काम चला दीजिएगा। लेकिन अगर आपको बोला गया कि नहीं, मेरा 15, इसको 15 बार करिए, तो आप एक कंप्रेसर से उसका काम नहीं चला सकते, आपको डबल स्टेजिंग करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? ऐसे ही ट्रिपल स्टेजिंग करनी ही पड़ेगी। अगर 100, मान लेते हैं 100 बार चाहिए था, 100 बार आपको प्रेशर बढ़ाना है, तो आपको ट्रिपल स्टेजिंग करनी पड़ेगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी को लेके आगे बढ़ते हैं कि यूज ऑफ इंटरकूलर इन मल्टी स्टेज कंप्रेशन। तो चलिए इस डायग्राम को देखते हैं। ये अगर आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर वन वन टू, ये आपका इंटरकूलर है, जैसे थ्री निकला, फिर ये गया दूसरे कंप्रेसर में, और वहां से निकल गया फोर। ये कंप्रेसर आपका टू है। तो हुआ क्या, यहाँ पे कुछ प्रेशर था, यहाँ पे कुछ प्रेशर पड़ा होगा। अब ये चीज में
प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा और फिर यहाँ पे प्रेशर और बढ़ गया होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे पी तो कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है तो ये टेम्परेचर कम कैसे कर रहा है। नॉर्मल से फॉर्मूले पे जाते हैं, पी वी स्क्वायर होता है एम आर टी, ये भाई सब कांस्टेंट निकल गए, मास कांस्टेंट है, हाँ आर कांस्टेंट है, ये सब चीज़। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर उस गैस या एयर का मैं वॉल्यूम कम कर दूं तो इनडायरेक्टली मैं उसका टेम्परेचर कम कर रहा हूं, क्लियर है। तो अगर इसी चीज़ को मैं पीवी डायग्राम में बनाने की कोशिश करूं, जो मैंने ऊपर दो कंप्रेसर एक बनाए, कि अगर ये पी था ये वी था आपका वन और टू, देखिए समझते हैं, आप देख रहे हैं ये चीज, वन से टू पे जा रहा है, तो और किसके थ्रू, कंप्रेसर में जा रहा है, तो यानी कंप्रेसर आपका प्रेशर बढ़ाएगा, तो देखिए आपका प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ, टू से थ्री पे जा रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या लाइन आएगी, ये लाइन ऐसी आएगी, ये थ्री हुआ, थ्री के बाद वो फोर पे जा रहा है, फिर से वो कंप्रेसर से होकर जा रहा, फिर से प्रेशर बढ़ेगा, तो अब कैसी लाइन होगी, ये होगी, क्लियर है। अगर कोई बोलता कि इसमें हाँ मल्टी स्टेजिंग करनी ही नहीं है, मेरे को एक ही बार प्रेशर बढ़ा दीजिए, तो आपका डायग्राम कैसे बन के आता, पीवी वन से फोर, क्लियर है, क्योंकि बीच में कोई मल्टी स्टेज है, आपने मल्टी स्टेजिंग नहीं, एक ही कंप्रेसर आपका सब काम करा दे रहा है। अब देखते हैं, अच्छा थोड़ा सा समझिए, थोड़ा और कुछ समझाना है फिर आगे बढ़ेंगे इसको लेकर। अगर चलिए अगर मैं मल्टी स्टेजिंग नहीं करता तो मेरा डायग्राम कैसा होता, कुछ ऐसा डायग्राम होता ना कि वन से फोर, तो क्योंकि कंप्रेसर एक ओपन डिवाइस है, तो और वर्क कंप्रेसर के बारे में आपको पता है, ये वर्क डन लेता है, क्योंकि आपने एंटी क्लॉक वाइज लिया है तो नेगेटिव वर्क, तो ये जितना कम आपसे ले उतना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, और ओपन डिवाइस में जो फॉर्मूला वर्क का होता है वो कुछ ऐसा होता है, माइनस वी टी पी, यानी डी पी चेंज हो रहा है, यानी इसको जो प्रोजेक्ट करिएगा तो ये जो भी एरिया है, ये जो एरिया निकल के आया, हाँ इसका जो भी एरिया निकलेगा वो दर्शाएगा कि हाँ इतना वर्क डन आपको देना पड़ेगा उस कंप्रेसर में, अगर आपने सिंगल कंप्रेसर लगाया होता। अब जब आप डबल कंप्रेसर लगा रहे हैं तो पहला कंप्रेसर ने कितनी जगह, कितना एरिया कवर किया, इतना एरिया, और दूसरा कंप्रेसर ने कितना कवर किया, तीन से चार, इतना। तो अब देख रहे हैं ये एरिया और ये एरिया, इतना आपको वर्कडन देना पड़ रहा है पहले पे, यानी पहले पे आपको कितना वर्कडन देना पड़ रहा है W1, यानी पहले कंप्रेसर पे, और दूसरे पे कितना देना पड़ रहा है, यानी ये वाला और दूसरा पहला वाला, ये वाला है इस पे W2। हाँ, अब आप इसको देखिए और इसको देखिए, आपको क्या लगता है किस कंप्रेसर को ज़्यादा देना पड़ेगा, उस सिंगल कंप्रेसर को या उस सिंगल कंप्रेसर की जगह मल्टी स्टेजिंग कर दी है उस पे, तो आप देखिएगा कि ये वाला इससे कितना बड़ा है। अगर इसमें ये चीज़ जोड़ दी जाए तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे,
तो सिंपल सिंपल सी बात है, मल्टी स्टेजिंग आपको इनडायरेक्टली बता रहा है कि वर्क डन कम देना पड़ रहा है, यानी जो आपको एक फ़ायदा मिलना था कंप्रेसर चलाने के लिए, मल्टी स्टेज कर दीजिए, उसको कम वर्क डन देना पड़ेगा, वो चलने लगेगा। अब एक और चीज़ कि हम लोग ये आपने वर्क डन का जो भी अभी एक शापा देखा, दो वर्क डन थे, इसमें एक सिंगल निकल के आ रहा था जो बड़ा था, और इसमें दो वर्क डन निकल के आ रहे थे और जिनको ऐड करने पे हाँ जो भी आउटपुट था वो छोटा था। यही था, ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि आपने बीच में एक इंटर कूलर लगा दिया था, और वो इंटरकूलर टेम्परेचर कम करके, वॉल्यूम कम करके प्रेशर कांस्टेंट रख रहा था, और जब फॉर्मूला वर्क डन का ये हो जाए तो इसके अंदर कोई भी चीज़ को अगर कांस्टेंट कर देते हैं, या ये एक चीज़ कांस्टेंट है और एक चीज़ को डिक्रीज कर देते हैं, वर्क डन कम निकल के आता है। ये यहीं पे रोकते हैं, थोड़े से फिर से थर्मोडाइनिक्स पे जाते हैं। अगर कोई चीज़ को हम कंप्रेस कर रहे हैं, छोड़िए हाँ ये छोड़िए, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, कांस्टेंट एन की वैल्यू जब जीरो हो जाए तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल। ये पी वी हो जाए, एक मिनट, हाँ एन की वैल्यू जीरो हो जाए तो पी इज इक्वल टू आता है कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। जब एन की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे बी कांस्टेंट हो जाता है, राइट, और इसको बोलता है आइसोक्रोमिक इफेक्ट, यानी हाँ जितना आइसोकोरिक इफेक्ट, क्रोमिक नहीं, आइसोकोरिक इफेक्ट, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब एन की वैल्यू वन हो जाती है तो पी वी इसका जो कांस्टेंट हो जाता है, और ये फॉर्म हाँ ये इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ये चीज़ आपने पढ़ी है। अगर उस चीज़ को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ चीज़ ऐसे निकल के आती है, ये जो लाइन, ये पी वी डायग्राम है, पी वी हाँ ये एन की वैल्यू यहाँ पे जीरो है, यानी वॉल्यूम, यानी प्रेशर कांस्टेंट, एन की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट, एन की वैल्यू यहाँ पे वन है, यानी ये वाली लाइन आइसोथर्मल प्रोसेस को शो कर रही है। एन की वैल्यू अगर एन है तो ये पॉलीट्रॉपिक को शो कर रही है, और एन की वैल्यू अगर गामा है तो ये एडियाबेटिक को शो कर रही है। अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा वर्क किस में होगा, कौन से प्रोसेस में आपको सबसे ज़्यादा वर्क डन लेगा, तो सबसे ज़्यादा वर्क डन कौन से प्रोसेस में लेगा, अब देखिए वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम में लेगा, और सबसे कम किस में लेगा, नॉर्मल सी बात है बहुत, हाँ थर्मोडायनेमिक, सबसे कम किस में लेगा, इसमें लेगा, यानी आपका कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस में, नॉर्मल सी बात, हाँ क्योंकि अगर ये सबसे कम कर दीजिएगा तो वर्क डन जीरो आ जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो जो चीज़ करेगी सबसे कम वो होगी आइसोथर्मल प्रोसेस, वो प्रोसेस है जिसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोग को सबसे कम वर्क डन देना पड़ता है। इसलिए जो इंटरकूलर होता है हाँ उसमें हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस यूज़ करते हैं ताकि हम लोग का वर्क डन जो था वो कम निकल का है। क्लियर है, इतना समझाना था कि कभी आ जाए कि क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। हाँ अब जो आपने अभी चीज़ें की, यानी आपका एक कंप्रेसर ये था, ये आपका एक इंटरकूलर था और ये दूसरा कंप्रेसर था, आपने यहाँ से चीज़ें डाली तो यहाँ से डाली और यहाँ से निकल गई। अगर ये वन है तो ये टू होगी, ये थ्री होगी, ये फोर होगी, और अगर टी एस डायग्राम ब्रेटन साइकिल का देखें तो कुछ ऐसा ही होता है ना जी,
1 2 3 4, ये वाला चीज टरबाइन होती है, तो टरबाइन को हटा देते हैं। हाँ सॉरी, ये है, आप देखिएगा ये वाली चीज टरबाइन होती है वहाँ पे। यहाँ पे कंबसन चैम्बर होता है, ये कंडेंसर होता है, ये चीज़ जो होती है पंप या कंप्रेसर होता है। तो हम लोग को पूरी की पूरी पढ़ाई इसी के बारे में करनी है, तो इसी को ही बनाते हैं और सबको हटाते हैं। तो ये है 1 2, लेकिन जब हम ये ऊपर वाला डायग्राम देखते हैं तो ये तो पहले एक कंप्रेसर है जब हो रहा है, लेकिन जैसे ही दूसरा कंप्रेसर होगा तो वो इसका टेम्परेचर कम करेगा। बट हाँ, टेम्परेचर कम करेगा, यही इंटरकूलर यही कर रहा था। क्या कर रहा था? टेम्परेचर कम कर रहा था। कैसे? वॉल्यूम कम करके। तो टेम्परेचर कम किया, कहाँ तक किया? यहाँ तक। और फिर से उसका प्रेशर बढ़ाया जाता था, प्रेशर बढ़ाना या टेम्परेचर बढ़ाना, जो भी कंप्रेसर जो काम करता है। यानी अगर मैं सिंपल सा बोलूँ तो यहाँ पर कंप्रेसर 1 लगा है और यहाँ पर कंप्रेसर 2 लगा हुआ है, और जो आपका प्रेशर निकलेगा वो यहाँ पे निकलेगा। यानी ये 3 है और ये 4 है, ठीक। अब जो कभी आ जाए कि एक टॉपिक है, हाँ, जिसका नाम है एक्सप्रेशन फॉर इंटरमीडिएट प्रेशर विथ परफेक्ट इंटर कूलिंग एंड मिनिमम वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि वर्क डन आपका कम हुआ था। आप कोशिश करते हैं कि आपको कम से कम ना वर्क देना पड़े कंप्रेसर को, तो ये लाइन आपको पता चल रही है, इसका मतलब है मिनिमम वर्क इनपुट देना पड़े कंप्रेसर को। हाँ, और ये किसके वजह से होती है? कि हम लोग इंटरकूलिंग करवा रहे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि परफेक्ट इंटरकूलिंग हो। ओके, तो हाँ, तो जब ये डायग्राम देखिएगा, आपको पता है यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे एक प्रेशर है। अगर कभी पूछ दिया जाए कि ये जो बीच वाला जो प्रेशर जो कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू निकाल के बताइए कि अगर ये 1 है और ये 100 है, तो ये जो बीच में इंटरकूलर और दोनों कंप्रेसर के बीच में जो प्रेशर था वो कितना होगा। तो वो प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है पी इंटरमीडिएट इक्वल टू पीएच इंटू पीएल का स्क्वायर रूट। यानी पीएच क्या है यहाँ पे? पीएच V4 है, P4 है और ये P1 है, क्लियर है? तो P4 P1, मैंने एग्जांपल क्या लिया हुआ था, P4 को 100 लिया था, इसको 1 लिया था, तो जो वैल्यू आएगी 10 और 100। हाँ, तो अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे ही सही बनाया जाए, तो अगर आपने जो भी एयर का प्रेशर जो शुरुआत में डाला था वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डाला था, और एक कंप्रेसर ने उसका प्रेशर बढ़ाया कुछ, हाँ, और दूसरा कंप्रेसर ने उसका प्रेशर और बढ़ा दिया, और बढ़ा के उस एयर का प्रेशर अगर 100 एटमॉस्फेरिक कर दिया, तो पूछा गया कि बीच में जो इंटरकूलर था उसके पास कितना प्रेशर था, यानी उसने कितने प्रेशर पे काम किया था। तो आपको कुछ नहीं करना, हाँ, इस एक को इस 100 से मल्टीप्लाई करिए और इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो कुछ 10 आएगा। यानी इस इंटरकूलर का जो प्रेशर था वो था 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है? अब मान लेते हैं कि हम लोग एक और बीच में इंटरकूलर लगाकर एक और कंप्रेसर लगा देते हैं। यानी अब हम लोग के पास 2 कंप्रेसर हो गए और यहाँ से चीज़ें निकली,
यहाँ से जो चीज़ें निकली वो मान लेते हैं 1000 एटमॉस्फेयर पे उसका प्रेशर निकला। हाँ, तो बोला गया कि जो कंप्रेसर 2 है और कंप्रेसर 3 है उसके बीच में जो इंटरकूलर, सेकंड इंटरकूलर है, उसका प्रेशर क्या होगा। तो आप क्या करिएगा, इसका प्रेशर लिखिएगा 100 और इसका प्रेशर लिखिएगा 1000 और उसका स्क्वायर रूट कर दीजिएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी वो उस इंटरकूलर का प्रेशर होगा। ऐसे ही अगर कोई बोले बोला जाए कि C1 और C2 के बीच में जो इंटरकूलर लगा हुआ है उसका प्रेशर क्या होगा, तो 1 × 100, ये था 10। तो हम लोग देखते क्या है कि अगर सपोज एक एटमॉस्फेयर को हम लोगों को 3 कंप्रेसर की मदद से सपोज 1000 बनाना था, 1000 बनाना था, तो इसमें पहला कंप्रेसर कितना बढ़ाएगा, दूसरा कंप्रेसर कितना बढ़ाएगा, तीसरा कंप्रेसर कितना बढ़ाएगा। हाँ, देखा जाता है कि वो जो रेशियो होता है, यानी सपोज ये पहला कंप्रेसर है, इस पे चीज 1 पे आई और 2 से निकल गई, दूसरा जो कंप्रेसर है उसके पास 2 से आई और 3 से निकल गई, यानी मैं स्टेज बता रहा हूँ, और जो तीसरा कंप्रेसर है उसका इनिशियल 3 हो गया और चौथा 4 हो गया। क्लियर है? तो अगर मैं इंटरमीडिएट प्रेशर इन C1 और C2 का लूँ तो क्या आएगा, P1 P2 का अंडर रूट। ऐसे ही P3 और P4 का अगर C2 और C3 का इंटरमीडिएट लूँ तो फॉर्मूला क्या आएगा, P2 P3। चलिए इतना ही रखिए। दो फॉर्मूले और हैं जिसको अगर समझने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसे हैं। अच्छा, उससे पहले हाँ एक वर्ड आया था, वो समझिए कि परफेक्ट इंटरकूलिंग का मतलब क्या होता है, कि अगर ये पहला कंप्रेसर ने उसका प्रेशर बढ़ा दिया और दूसरा कंप्रेसर उसका प्रेशर बढ़ाए, तो परफेक्ट इंटरकूलिंग की का मतलब होता है कि हाँ जो कम जिस टेम्परेचर पे कंप्रेसर 1 ने छोड़ा और जिस टेम्परेचर पे कंप्रेसर 2 के अंदर गया वो सेम टेम्परेचर हो, ऐसा नो। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके सोचते हैं, देखते हैं। परफेक्ट इंटरकूलिंग इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है अगर डायग्राम बना के देखा जाए। हाँ, ये डायग्राम, इस डायग्राम का छोटा सा हिस्सा है, TS डायग्राम हो, 1 2 3 4, मैं बस ये हिस्सा बना रहा हूँ, ठीक है। यानी अगर इसी डायग्राम को बड़ा करके देखें तो ये देखिए, ये डायग्राम इनिशियली ब्रेटन साइकिल का ये था, 1 2 3 4। आपने क्या किया इंटरकूलिंग की, तो आपने क्या किया, ये चीज़ हटाई और यहाँ पर डालने के बाद जो चीज़ कंबसन चैम्बर में जा रही थी उसको खींच कर एक और कंप्रेसर में डाला और फिर उसके बाद कंबसन चैम्बर में डाला, ठीक है। ये डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि 1 2 3 4। परफेक्ट कूलिंग कब बोलेंगे, जब ये यहाँ पे कंप्रेसर 1 लगा हुआ है और कंप्रेसर 2 यहाँ पे लगा हुआ है, जब टेम्परेचर T1 और T3 हाँ बराबर हो, यानी दोनों ही कंप्रेसर का इनलेट टेम्परेचर सेम हो, और T2 और T4 सेम हो, यानी दोनों कंप्रेसर का आउटलेट टेम्परेचर भी सेम हो। हाँ, तो दो कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन,
दोनों ही कंप्रेसर बराबर का वर्क डन खींच रहे हों या आपसे ले रहे हों, कंज्यूम कर रहे हों। और जो चौथी कंडीशन थी कि ये प्रेशर क्या होगा, वो प्रेशर क्या हो, ये हाईएस्ट, ये लोएस्ट और हाईएस्ट का मल्टीप्लिकेशन, हाँ, और का स्क्वायर रूट। अगर ये कंडीशन होती है तो हम लोग बोलेंगे कि जो हम लोगों का इंटरकूलर है वो परफेक्ट है। अब सपोज एक कंप्रेसर है जिसका काम ये था कि वो 1 से 6 तक प्रेशर बढ़ा दे, लेकिन हम लोग को चाहिए कि वो कम वर्क डन लेके करे, तो हम लोग ने उसको छोटा छोटा करके, हाँ, 3 कंप्रेसर्स के बीच से होके गुजार दिया, 1 2, फिर इंटरकूलर में डाला उसको, यहाँ पे पहला इंटरकूलर लगा हुआ है, फिर 3 4, फिर इसको एक इंटरकूलर में डाला और 5 6। तो अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि ओवरऑल प्रेशर रेशियो कितना हुआ, प्रेशर रेशियो क्या होता है, हाईएस्ट प्रेशर बाई लोअरस्ट प्रेशर, तो अगर इसका डायग्राम का देखो तो P6/P1 होगा, ठीक। अब मैं बोलूँ कि इसका क्या होगा, तो इसका भी कम ओवरऑल प्रेशर रेशियो क्या होगा, P6/P1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने मल्टी स्टेजिंग की है तो इसको हम लोग इस वे में लिख सकते हैं, पहले में क्या हुआ होगा, P1 P2 इसने किया, दूसरे में क्या होगा, P4/P3 इसने, हाँ, प्रेशर इतना बढ़ाया, और तीसरे कंप्रेसर ने कितना बढ़ाया, P5 से P6 किया। तो देखा जाता है क्योंकि ये 1 2 प्रेशर जो भी बढ़ता है सेम बढ़ता है, यानी ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाएगा, यहाँ पे कम बढ़ाएगा, यहाँ पे कम बढ़ाएगा, ये सब में ये रेशियो कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P6 = P1 P2/P1³, क्योंकि अगर ये तीनों ही सेम चीज़ें हैं तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है जो देख लीजिए एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बन के आ जाएगा 2 नंबर का, ओवरऑल प्रेशर रेशियो इज़ टू प्रेशर रेशियो इन इच स्टेज, और जितनी स्टेजिंग होगी वो नंबर ऑफ, हाँ, एन इज्कल टू क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस की बात है, यानी अगर ये कंप्रेसर है, हाँ, यहाँ से P1 से लेकर P2 गया, तो P2/P1 जो भी वैल्यू आएगी, मान लेते 10 है, तो यहाँ पे जब यही चीज आगे किसी दूसरे कंप्रेसर में गई, यहाँ पे मान लेते P3 है, तो P3/P2 जो वैल्यू होगी वो भी 10 ही होगी, क्लियर है। और जितना कंप, हाँ, जितना वर्क डन इसने लिया था उतना ही वर्क डन ये लेगा। तो अगर टोटल वर्क डन निकालना हो, टोटल वर्क इनपुट आपने कितना दिया मल्टी स्टेजिंग में, वो होगा कितनी मल्टी स्टेजिंग की है, और हर में कितना वर्क डन लगा है। तो ये जो 2 फॉर्मूले हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको देख लीजिएगा, इसके बाद देखते हैं आगे चीज़ें। थैंक यू।